हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो बिगनर्स होते हैं, जो यानी कि थोड़े मूव में हार जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं जीत ही नहीं सकता गेम में, है ना। बहुत आसान है गेम खेलना, ठीक है। फर्क क्या है? लॉजिकली सोचने में, ठीक है, ध्यान से समझने की गेम किस बारे में, ठीक है। गेम बस इसी बारे में कि भैया जो जिसने इसके किंग को मार दिया, उसके किंग को मार दिया, वो जीत गया। नहीं तो कैसे ये काम करेंगे, चीजों को समझ के, है ना। हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि ये नोटेशन कैसे लिखते हैं। ये यहाँ पे अभी E3 चला, ये E3 है क्या, है ना, कौन है ये E3? पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या क्या किनको, है ना। इसको कहते हैं पोन, ठीक है। ये जो हम हिंदी में प्यादा बोलते हैं, इसको कहते हैं पोन। इसको हम कहते हैं हाथी, है ना। इसको हम कहेंगे रुक। इसको कहते हैं हम घोड़े। इसको कहेंगे हम नाइट। इसको कहते हैं हम वजीर। इसको कहेंगे हम बिशप। एंड ये किंग, एंड रिस्पेक्टिवली किंग, है ना। वही दोबारा रिपीट कर लो, देखो, पोन, बिशप, नाइट एंड रुक। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये देखना है कि बिगिनर्स क्या करते क्या गेम में। वो रूल्स को नहीं देखते हैं, है ना। वो बस पीसीस को चलना जानते हैं। नहीं, पीसेस नहीं चल रहे, हमने मोटिव को देखना करते नहीं। जैसे जैसे कि हमें पहले मोटिव देखना है कि भैया अगर हम ये कोई भी पीस चल रहे हैं, मान लो कि हमने ये वाला पान एक कदम आगे चला, ठीक है, ये आगे चला एक कदम, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि ये इस बिशप को खोल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा मोटिव है, ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बातें करेंगे। अब कल की गेम अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने E4 वाला गेम दिखाया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक गेम दिखा था जिसमें C6 खेला, D5 खेला, है ना। तो वो जो चीजें कर रहे थे उस गेम में हम, वो मेरे को लगा कि आप लोगों के लिए थोड़ा जल्दी बताना होगा, है ना, क्योंकि पहले आपको बेसिक चीजें बताता हूँ मैं। तो क्या बेसिक चीजें हैं इस गेम की? सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपनिंग। देखो गेम के तीन पार्ट्स हैं, ओपनिंग जो ओपन करते हैं उसको कहते हैं ओपनिंग, सेकंड हुए मिडिल गेम। जो ओपनिंग जब हो गए ना, ये अपने पान वान चल दिए या ये प्यादे चल दिए, इसके बाद जब आपने अपने पीसीज निकाल दिया, यानी कि ये घोड़ा निकाल दिया, क्वीन निकाल दी, ये सारी चीजें निकाल दी ना, इसको कहेंगे हम, जब ये निकल जाएंगे ना, उसके बाद हम कहेंगे उसको मिडिल गेम। जब भी गेम में ना बिल्कुल यानी कि बहुत देर तक बैटल चल रही है, जब ये नाइट हट जाएगा या बिशप हट जाएगा, यानी पीसीज बहुत ही कम हो जाएंगे, यानी मान लो कि चार पीसेस से कम पीसेस हो गए ना, यानी कि या ये कम हो गए या ये कम हो गए, ये तीन पीसेस चले गए या ये चार पीसेस चले गए, इसको कहते हैं हम एंड गेम, ठीक है। पॉन्स कितने भी हो वो मैटर नहीं करता इसमें। तो पहला हम पार्ट देखते हैं भाई क्या है ओपनिंग। बहुत आसान चीज है ओपनिंग समझना भाई। ओपनिंग का रूल क्या है हमारे लिए, यूनिक कोई भी उठा के चल दो, ऐसे भी खेलते हैं कि भैया H4 चल दो, ये वाला पान आगे चल दो, अगर हाथी खुलेगा इससे हमारा, नहीं हमें हाथी नहीं खोलना, हमें मोटिव खोलना अपना। हमारा मोटिव क्या है, क्या मोटिव है? पोन को आगे चलना, है ना। इसी पोन को हम आगे क्यों चल रहे हैं, देखा जाए तो हम इस वाले पोन को आगे चल रहे हैं और इस वाले पोन को आगे चल रहे हैं, है ना। हम इस पोन को आगे क्यों नहीं चल रहे, इस पोन को आगे क्यों नहीं चल रहे, इस पोन को आगे क्यों नहीं चल रहे, ये तीन पोन को क्यों नहीं चल रहे हम आगे? इसका रीजन पता क्या है? सिंपल है कि ना जो बैटल होती है ना गेम की, वो सेंटर से शुरू होती है। क्यों सेंटर से क्यों शुरू होती है? क्योंकि भाई सेंटर पे अगर आप ये मान लो कि ये घोड़ा रख दिया आपने, ठीक है, ये घोड़ा यहाँ पे रख दिया सेंटर में, देखो कितने सारे स्क्वायर सेंटर वर्क करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ओपनिंग में यानी 8 स्क्वायर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली तो यहाँ पे बिठा नहीं सकते ना घोड़े को, बिठा सकते हैं नहीं ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले किसको लेके जाएंगे, जो वो सबसे जल्दी पहुंचेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें कोई तो बंदा चाहिए ना कि हमारे लिए सेंटर को कंट्रोल करे। तो भाई उस बंदे को भेजिए, वो कौन है, ये हो गए फोन प्यादा, हमें फोन चला। अब नेक्स्ट मूव क्या चलेगा, ब्लैक ने भी मान लो कि यही चल रही है ना, D5 कोई गेम नहीं है ये, ये बस मैं बता रहा हूँ कि बिगिनर्स सबसे पहले शुरुआत कैसे करें।
सेंटर लिया उन्होंने, है ना। देखो बस आज के लिए मेरे ख्याल से मैं ज्यादा आपको ये बताने वाला हूँ, धीरे धीरे करके आपको पढ़ना कि भाई ये ओपनिंग का पार्ट हो गया, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई ओपनिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, ओपनिंग को इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, रियलिटी में कैसे उसको यूज करेंगे। मैं डेली वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, कल भी लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।